बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम अनफॉर्मेटेड आयो फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे थे। आज के लेक्चर से हम फॉर्मेटेड आयो फंक्शंस जैसे कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ क्या होते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना जरूरी है। एंड दीज टर्मिनोलॉजीज आर फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड फील्ड विद स्पेसिफायर। तो आइए जानते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट। यानी सी लैंग्वेज में जब कभी भी आप फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस जैसे कि स्कैनएफ के थ्रू अगर आप कुछ इनपुट करवाना चाहते हैं और प्रिंटएफ फंक्शन के थ्रू कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज किया जाता है। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर करते क्या है, ये कंपाइलर को बताते हैं कि जो भी वैल्यू आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं या इनपुट ले रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो वैल्यू किस तरह से किस तरतीब से स्क्रीन पर शो होगी। जैसे मान ले आपने दो स्टेटमेंट्स लिखी, int x equals to 5 और उसके बाद आपने लिखा printf और उसके बाद आपने लिख दिया printf के इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर %d कॉमा एक्स। तो अब ये प्रिंटएफ फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये समझ लें कि प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स में जो भी कुछ लिखा होगा, जो भी मैसेज लिखा होगा, ये उसको स्क्रीन पर यानी आउटपुट स्क्रीन पर आपको शो कर देगा। लेकिन अभी जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो दोस्तों, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क्स में तो %d लिखा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर %d नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा 5। क्यों? क्योंकि %d दोस्तों कोई आम स्ट्रिंग नहीं है, कोई आम मैसेज नहीं है, बल्कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि प्रिंटएफ फंक्शन को ये बता रहा है कि उसे एक्स वेरिएबल में रखी वैल्यू को किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में तमाम डाटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे यहाँ आपने लिखा int x equals to 5, तो मेमोरी में क्योंकि आपने इस x वेरिएबल की टाइप इंटीजर रखी है, तो जैसे ही आप ये लाइन लिखेंगे तो मेमोरी में एक 4 बाइट का ब्लॉक रिजर्व्ड हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का होता है, इसीलिए वो मेमोरी में एक 4 बाइट का ब्लॉक रिजर्व कर देगी। और उस ब्लॉक में आप लोग सोच रहे होंगे कि वैल्यू रखी होगी 5, तो दोस्तों उस ब्लॉक में वैल्यू 5 नहीं रखी होगी, बल्कि 5 की बाइनरी फॉर्म स्टोर होगी इस तरह से। तो अब जब आप x वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो वो वैल्यू तो मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में होगी, और अगर बाइनरी फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी तो उस बाइनरी फॉर्म को आपके लिए समझना मुश्किल होगा। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 और 0 की फॉर्म को किसी के लिए भी अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, इसीलिए आपको प्रिंटएफ फंक्शन को बताना पड़ेगा कि इस बाइनरी नंबर को आपको किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है। आया आपको इस बाइनरी नंबर को बेस 10 यानी डेसिमल नंबर के फॉर्मेट में देखना है, या फिर बेस 8 यानी ऑक्टल नंबर के फॉर्मेट में देखना है, या फिर किसी करेक्टर जैसे कि ए बी सी वगैरह के फॉर्मेट में देखना है, ये आपको प्रिंटएफ फंक्शन को बताना जरूरी है। और इसी मकसद के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज किया जाता है जो कि प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन को बताते हैं कि जो वैल्यू आप इनपुट दे रहे हैं या जो वैल्यू आप डिस्प्ले करवा रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और दोस्तों, जिस तरह सी आपको वेरिएबल में डाटा को स्टोर करवाने के लिए अलग अलग तरह की डाटा टाइप्स प्रोवाइड करता है, इसी तरह उन वेरिएबल्स में रखी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी अलग अलग तरह के मौजूद हैं। और ये आपको स्क्रीन पर एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें डाटा टाइप्स डिफाइन है और साथ ही सामने उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी, यानी ये तमाम डाटा टाइप्स हैं और ये है तमाम उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। और जैसे कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज आपको 4 तरह की डाटा टाइप्स प्रोवाइड करता है, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर एंड स्ट्रिंग। यानी इन डाटा टाइप्स के जरिए आप मेमोरी में डाटा को स्टोर तो कर लेंगे, लेकिन वो डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा और किस फॉर्मेट में स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, इसके लिए ये आपको अलग अलग तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप किसी वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर रखते हैं तो उस इंटीजर के नंबर को, यानी उस वेरिएबल में आप जो भी नंबर स्टोर करवाने जा रहे हैं उस नंबर को आप
इन तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के जरिए अलग अलग फॉर्मेट में डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटीजर या डेसिमल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप परसेंट डी और परसेंट आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में अपने डेटा को देखना चाहते हैं तो आप परसेंट एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्टल के लिए आप परसेंट यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोट के लिए आप परसेंट एफ का यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर के लिए आप परसेंट सी का यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग के लिए आप परसेंट एस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, अनसाइंड साइन नजर आ रहे हैं ये हम यूजुअली इतना इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आम तौर पर जिन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं वो है परसेंट डी जो कि इंटीजर को डिस्प्ले करवाने के लिए होता है, परसेंट एफ जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए होता है, परसेंट सी जो कि करेक्टर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए होता है और परसेंट एस जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। तो अगर आप इन सबको याद नहीं रख सकते तो कम से कम इन चार फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को जरूर याद रखिएगा और अगर बाकी की आपको जरूरत पड़े तो आप वो गूगल करके भी समझ सकते हैं कि ये किस 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 तरह से यूज किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ हर एक स्पेसिफायर को परसेंट सिंबल से स्टार्ट किया गया है। तो ये परसेंट सिंबल दरअसल एक इंडिकेटर है जो कि कंपाइलर को बताता है कि परसेंट की फॉर्म के बाद जो भी अल्फाबेट है वो दरअसल एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परसेंट के बाद अगर आप जो भी अल्फाबेट लिखते हैं, मान ले आप लिखते हैं परसेंट डी, तो कंपाइलर उसको भी फॉर्मेट स्पेसिफायर कंसीडर करेगा क्योंकि सी में कुछ मखसूस स्पेसिफायर्स हैं जो कि अभी हमने टेबल में भी देखे हैं। तो अगर सिर्फ वही अल्फाबेट परसेंट के बाद लिखे हैं तो सिर्फ उन्हीं को कंपाइलर फॉर्मेट स्पेसिफायर कंसीडर करेगा। क्योंकि दोस्तों अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन में जो भी वैल्यू होगी, जो भी मैसेज होगा, ये इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। अब ये परसेंट डी जो है अगर आप लिखेंगे तो इसको भी ये स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले करवा देगा। इसीलिए जैसे ही ये प्रिंटफ फंक्शन इस परसेंट को देखेगा ये समझ जाएगा कि ये कोई आम स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई आम मैसेज नहीं है, बल्कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसकी वैल्यू को इसको इस x से रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से दोस्तों फॉर्मेट स्पेसिफायर काम करते हैं। अब आइए इसकी प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन को देखते हैं। दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रोग्राम मौजूद है जिसके अंदर हमने एक सी एच वेरिएबल लिया है जिसकी डेटा टाइप 4 है और इसके अंदर हमने एक अल्फाबेट को स्टोर करवा दिया है। अब इस अल्फाबेट को प्रिंट करवाने के लिए आप यूज तो प्रिंटफ फंक्शन को करेंगे, लेकिन प्रिंटफ फंक्शन इसको डायरेक्टली स्क्रीन पर शो नहीं कर सकता। उसके लिए उसको जरूरत है फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो कि प्रिंटफ फंक्शन को बताएगा कि इस डेटा को आपको किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, किस तरतीब से स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आप किसी करेक्टर वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास है फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी। अब दोस्तों जैसे ही आप इस डबल कोटेशन के अंदर परसेंट सी लिखेंगे तो प्रिंटफ अब डायरेक्टली सिर्फ परसेंट सी को प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि ये सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पर परसेंट सी परसेंट लिखा है और ये परसेंट को देखते ही समझ जाएगा कि ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है और इसीलिए फिर ये इस सी एच वेरिएबल में से ये वैल्यू उठाएगा और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के फॉर्मेट के अंदर आपको स्क्रीन पर शो कर देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल लिया है सी एच वन जिसकी डेटा टाइप तो 4 है, लेकिन इस सी एच वन के आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए हैं जो कि अब ये डेटा टाइप एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बन गया है। उसके अंदर हमने स्टोर करवाई है एक स्ट्रिंग वैल्यू और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है वो है परसेंट एस। अब आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं और ये देखिए दोस्तों फर्स्ट वेरिएबल आपके सामने एक करेक्टर टाइप वेरिएबल है तो इसने डिस्प्ले करवाया है ए क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा था परसेंट सी, और दूसरा जो आपके पास वेरिएबल है वो क्योंकि एक चार टाइप वेरिएबल वो एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है इसीलिए इसने डिस्प्ले करवाया है एक स्ट्रिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको एक प्रोग्राम नजर आ रहा है वो है इंटीजर टाइप वैल्यू के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमने दो इंटीजर टाइप वेरिएबल लिए हैं एक्स एंड वाई जिसके अंदर हमने 45 और 90 वैल्यूज को स्टोर करवाया है। अब दोस्तों आप एक इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप उसको डेसिमल फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, इंटीजर फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वगैरह के फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखिए कि डेटा टाइप तो आपके पास 4 हैं, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, लेकिन उन वेरिएबल्स के अंदर जिनकी ये डेटा टाइप्स हैं उनके अंदर आप
उन वेरिएबल्स के अंदर मौजूद वैल्यूज को आप अलग अलग फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं, और इसीलिए आपको इतने सारे जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने परसेंट डी जो है वो यूज किया जाता है इंटीजर वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए, और परसेंट आई यूज किया जाता है डेसिमल वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में आपको 45 नजर आ रहा है और सेकंड लाइन में आपको 90 नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को परसेंट डी और परसेंट आई के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा हमारा प्रोग्राम है वो है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को अलग अलग फॉर्मेट में देखने के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने एक वेरिएबल लिया है ए जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट, और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 12.67। तो अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है उसको अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया जाता है वो है परसेंट एफ। लेकिन फ्लोट जो है वो आपको अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर देता है, तो आप परसेंट एल एफ के थ्रू लॉन्ग फ्लोट भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर आप परसेंट ई लिखेंगे तो आप इसी वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। किस तरीके से आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों टॉप पर आपको ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमने परसेंट एफ यूज किया है, और नीचे आपको परसेंट ई हमने यूज किया है यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट ई यूज किया है, इसीलिए ये वैल्यू ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा रहा है। तो दोस्तों आप एक ही वैल्यू को मल्टीपल फॉर्मेट्स में देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट है वो है ऑक्टल नंबर का। यानी अभी हमने देखा था कि आप एक इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को अलग अलग फॉर्मेट्स में देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो कोई ऑक्टल नंबर का फॉर्मेट भी हो सकता है, डेसिमल नंबर का भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर का भी हो सकता है। तो अगर आप एक इंटीजर वैल्यू को ऑक्टल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप परसेंट ओ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। तो ये दोस्तों देखिए ये जो इंटीजर वेरिएबल के अंदर मौजूद है वैल्यू 67, जब ये कन्वर्ट होगी ऑक्टल फॉर्मेट के अंदर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 103। इसके बाद जो दोस्तों लास्ट फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है वो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के लिए आपको परसेंट स्मॉल एक्स और परसेंट कैपिटल एक्स का जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है ए जिसमें वैल्यू स्टोर करवाई है 15। अगर आप इसको हेक्साडेसिमल में देखना चाहते हैं, हेक्साडेसिमल के लोअर केस में देखना चाहते हैं, तो आप परसेंट एक्स यूज करेंगे, और अगर आप हेक्साडेसिमल के अपर केस में देखना चाहते हैं तो आप परसेंट कैपिटल एक्स यूज करेंगे। तो दोस्तों आइए इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, और ये देखिए ये आपको बता रहा है कि 15 जो कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू है इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है स्मॉल एफ अगर आप परसेंट स्मॉल एक्स यूज कर रहे हैं, और अगर परसेंट कैपिटल एक्स यूज कर रहे हैं तो इसके अपर केस वैल्यू है कैपिटल एफ। तो दोस्तों इस तरह से आप एक ही वेरिएबल में मौजूद एक ही वैल्यू को अलग अलग फॉर्मेट्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं, और ये सब किसकी बदौलत हुआ है, इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बदौलत, जो कि आपको ये बता रहे हैं कि आप स्क्रीन पर, यानी आपको नहीं ये प्रिंटर फंक्शन को ये बता रहे हैं कि स्क्रीन पर जो डेटा डिस्प्ले होने जा रहा है उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी मर्जी के किसी भी डेटा को स्क्रीन पर किसी भी फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।